हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आज मॉर्निंग में ही मैंने बैंक निफ्टी में कॉल सेल दिया था टेलीग्राम चैनल में। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। मॉर्निंग में ही मैंने 9:25 को कुछ ट्रेड्स दिए थे, बायोकॉन सेल दिया था, टेकन सेल दिया था, इन्फोसिस सेल दिया था, ये सब में भी काफ़ी अच्छा पैसा आया। प्लस मैंने 9:56 को बैंक निफ्टी में कॉल सेल दिया था, 31,800 का कॉल, 250 में 300 का स्टॉप लॉस था और 200, 150 और 100 का टारगेट था। उसके बाद मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ करवाया 224 में, आप देख सकते हो। उसके बाद वापस मैंने ये कॉल सेल दिया 10:47 को, 31,800 का कॉल 225 में, इस बार स्टॉप लॉस दिया 260 का और टारगेट सेम था 200, 150 एंड 100। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे मैसेजेस, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी इसमें अचीव हुआ, 100 का जो थर्ड टारगेट था, और उसके बाद इसने 73 का लो बनाया। तो हम लोगों ने सेल किया था 225 में, लो बनाया 73 का, तो काफी अच्छा इसमें इंट्राडे में पैसा आया। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। तो डेली चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है और लगातार हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखो, गैप अप जरूर खुला लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस हमें फॉल देखने को मिला। 31,000 राउंड ऑफ लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 31,000 काफी क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 31,000 के नीचे वापस जाता है तो 30,000 तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। सो यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल जाए अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है। अगर थर्सडे को 31,000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हायर चांसेस हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और 700-800 पॉइंट का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है वो 30,000 के आसपास आता है। तो 30,000 टच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं बैंक निफ्टी में एज पर डेली चार्ट। अब हम लोग 15 मिनट का चार्ट भी एनालिसिस करते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जब ट्रेंड लाइन टूटा तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और ये जब ट्रेंड लाइन टूटा 12 बजे के आसपास, उसके बाद शार्प फॉल में देखने को मिला। अब जो 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो है 30,500 के आसपास, और अगर वो सपोर्ट भी टूटता है तो 30,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। क्योंकि अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो तो ये एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है और हायर चांसेस ये डाउनवर्ड चैनल कंटिन्यू कर सकता है और 30,000 आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये जो लेवल है 30,500 ऑलरेडी ये दो बार टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो नेक्स्ट मेजर साइकोलॉजिकल लेवल आता है बैंक निफ्टी में वो आता है 30,000 के आसपास। तो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 31,000 के नीचे हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, 100-150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 30,500 और 30,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये डबल बॉटम बना था अच्छा खासा और ये डबल बॉटम के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव साइन है। पॉसिबल है थर्सडे को हमें गैप डाउन ओपनिंग भी देखने मिल सकता है, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दिया है वो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो गैप डाउन होने के चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं थर्सडे को। और 14,250 का लेवल अगर टूटता है तो 13,600 तक भी निफ्टी आ सकता है, ये जो लेवल है, और ये जो लेवल है 13,600 के आसपास, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, इसके आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 14,250 दो तीन बार टेस्ट कर चुका है। उसके बाद अगर आप देखो मेजर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 14,000 का सपोर्ट है और 13,600 के आसपास सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो 14,000 का पहला टारगेट होगा और 13,600 का सेकंड टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। सो 14,000 और 13,600 तक के टारगेट के लिए आप निफ्टी शॉर्ट कर सकते हो, 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। 14,250 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हम लोग बना सकते हैं, 14,310-320 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 14,000 और 13,600 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का नॉलेज है तो हाईली एडवाइजेबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोनों में ही आप बेरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है वो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा वीक लग रहा है, मतलब निफ्टी काफी ज्यादा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और निफ्टी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया है 14,200 के आसपास, ये लेवल ऑलरेडी एक दो बार टेस्ट हो चुका है 14,200 के आसपास,
तो अगर 14,250 के नीचे जाता है तो इंट्राडे में हम लोग शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं अग्रेसिवली। 14,100 14,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस हुआ लाइव मार्केट में तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा थर्सडे मॉर्निंग को। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं और कैश लेवल इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं, तो आप उसमें भी ट्रेड करके इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है, लाइव मार्केट में ओपन ट्रस्ट डेटा एनालिसिस सीखना है, अगर आप F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हो तो ओपन ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन ट्रस्ट क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ओपन ट्रस्ट पोजीशंस का डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए। तो अगर आपको ओपन ट्रस्ट सीखना है या ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।